एक साइंटिफिक स्टडी में शो हुआ था, जब एक इंसान दूसरे नए इंसान से मिलता है तो सबसे पहले उसके फुटवेयर पर ध्यान देता है। तो अगली बार अगर आप किसी नए इंसान से मिलो तो अपने सबकॉन्शियस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और ये देखना कि क्या आप भी दूसरे लोगों के शूज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो। बाय द वे, मेरा नाम मोहित है और मैं इस चैनल पर मेंस ग्रूमिंग और मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। वैसे तो स्नीकर कल्चर फॉलो करने वाली एक पूरी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज की वीडियो में हम उन गिने चुने शूज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके सारे आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब जो शूज़ मेरी लिस्ट में नंबर वन पे हैं वो हैं बूट्स। अब बूट्स वो शूज़ होते हैं जो ग्रोन अप मैन को टीनेजर्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आप ये बात सुन के थोड़ा ऑफेंड हो सकते हैं, पर आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट बार किसी 13-14 साल के लड़के को बूट्स पहने हुए कब देखा था? शायद आपको याद नहीं आ रहा है या शायद आपने कभी देखा ही नहीं। बूट्स एक ऐसे टाइप ऑफ शूज़ हैं जो बने ही ग्रोन अप मैन के लिए हैं। बूट्स आपको वो बैडेस लुक प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि बूट्स इंडियन मैन की पहली पसंद नहीं है, तो अगर आप उन्हें ट्राई करते हो तो वो आपको ऑलरेडी बाकी इंडियन मैन से स्टैंड आउट करवाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट विद बूट्स इज आप उन्हें फॉर्मल्स और कैजुअल्स दोनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हो। तो अभी जाओ, मतलब इस वीडियो के बाद, एंड इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ बूट्स। द नेक्स्ट शू ऑन माई लिस्ट इज ड्रेस शूज। अब हम इस वीडियो में उन लिमिटेड ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सारे आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करे, तो इसमें ड्रेस शूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारी कम्युनिटी इंडिया बेस्ड ज़्यादा है, तो हमारी लाइफ में ट्रेडिशनल इवेंट्स और फंक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हमें एक अच्छे ड्रेस शूज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो हमारे सारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स को कॉम्प्लीमेंट करे। अब जो शू हमारे ट्रेडिशनल क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा वो है लोफर्स। यस, वन पेयर ऑफ क्लासिक ब्लैक लेदर लोफर्स ये आपकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देगा और ये पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब मेरी सेकेंड रिकमेंडेशन रहेगी डार्क ब्राउन शूज़। अब ये एक ऐसा कलर है जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ के कलर्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, पर अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो आप एक जूती के पेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। हम चलते हैं अपने अगले शू पे जो कि है वाइट स्नीकर्स। अब इन शूज़ के लिए मेरे पास सिर्फ एक कोट है, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड, दिस इज़ फॉर एन एरा। सबसे ज़्यादा वर्सटाइल अगर कोई शू है तो वो है वाइट स्नीकर्स। आप इसे लिटरली कहीं भी पहन सकते हो, आप ट्यूशन जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप डेट्स पर जा रहे हो जो शायद आपको मिल नहीं रही है, आप इन्हें इनफैक्ट अपने सूट के साथ भी पेयर अप कर सकते हो अगर आपको नॉट सो फॉर्मल लुक चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक प्लेन वाइट स्नीकर्स में इन्वेस्ट करो, विदाउट एनी स्ट्राइप्स, विदाउट एनी कलर्स, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उन्हें अपने 90% आउटफिट्स के साथ मैच कर पाओगे। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले शू पे जो कि है एथलेटिक शूज। वर्कआउट एक ऐसा फेज होता है मेरे दिन का जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट रहता है, और एथलेटिक शू आपके वर्कआउट मोटिवेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक अच्छे पेयर ऑफ शूज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके शूज़ जितने कंफर्टेबल होंगे आपको वर्कआउट करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अगली बार जब भी एथलेटिक शू लेने जाओ उसे अच्छे से ट्विस्ट करके देखो, उसका सोल चेक करो, उसकी कंफर्टेबिलिटी को चेक करो कि आप जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो क्या वो उसमें कंफर्टेबल रह पाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन गेन हुई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे और लोगों को सजेस्ट करे। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।